साथियों नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। साथियों एक बहुत बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है जो कि शिक्षक भर्ती को काफ़ी हद तक प्रभावित कर सकती है, ऐसा इस खबर में कहा गया है। इस खबर में तो यहाँ तक भी बताया जा रहा है कि जो 41,000 शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया है वह निरस्त हो सकती है, और जहाँ वहीं पर जो उच्च माध्यमिक शिक्षक और माध्यमिक शिक्षक भर्ती परीक्षा भी आयोजित की जा सकी है, मात्र उसका रिजल्ट अभी तक नहीं आया है, तो हो सकता है वह परीक्षा भी जो है कैंसिल कर दी जाए और उसके लिए फिर से आवेदन जो है मंगाए जाएं। तो ऐसी अटकलें लगाई जा रही हैं, क्या यह सही है? इस खबर का हम पूरा विश्लेषण इस वीडियो में करेंगे। सबसे पहले आपको बता दें कि इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें, तभी आपके मन के जो डाउट हैं वो क्लियर हो सकेंगे, और इस वीडियो को दूसरों तक भी शेयर करें ताकि उनको भी इस बात का पता चल सके। यदि हमें कोई इस पर कार्रवाई करनी होगी तो हम सब मिलकर के इस पर कोई कार्रवाई करेंगे और शासन के खिलाफ जो है मोर्चा संभालेंगे। तो सबसे पहले हम ये खबर देख लेते हैं कि पूरी खबर क्या है। तो आपको बता दें कि अभी पिछले कुछ दिनों में ही जो कमलनाथ सरकार है उन्होंने सामान्य वर्ग के जो अभ्यर्थी है उनकी जो भर्ती की आयु है उसको कम कर दिया गया है, तो इसका काफ़ी विरोध प्रदेश में चल रहा है और उसका विरोध भी जताया गया है। तो जो आयु के नए आदेश आए हैं उससे प्रदेश भर के जो आवेदक हैं वो परेशान हैं। पहले पूरी खबर देख सकते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्रदेश सरकार के उम्र के नए फॉर्मूले से 41,000 शिक्षकों की भर्ती जो है निरस्त हो सकती है। इस परीक्षा में प्रथम दो चरण में 30,800 पदों के लिए 7.20 लाख आवेदन परीक्षा दे चुके हैं। अब प्रदेश में सामान्य वर्ग की आयु सीमा जो 40 थी उसको घटा करके 35 वर्ष और ओबीसी की जो 43 से घटाकर 40 व SC ST की आयु को भी घटा दिया गया है। तो इसमें पूर्व में हो चुकी परीक्षा में अधिकतम 40 से 45 से कम आयु के जो लाखों आवेदक बैठ चुके हैं यदि उन्हें बाहर किया गया तो पूरी प्रक्रिया विवाद में फंस जाएगी। मतलब कहने का मतलब ये है कि जो वर्ग एक और वर्ग दो की परीक्षा आयोजित की जा चुकी है उसमें सामान्य वर्ग के लिए जो आयु रखी गई थी वह 40 वर्ष रखी गई थी, और जो रिजर्व कोटे से बिलोंग करते हैं उनकी आयु 45 वर्ष और 49 वर्ष रखी गई थी। अब चूँकि वह परीक्षा भी हो चुकी है और एक नया आदेश आया है जिसमें अधिकतम आयु 35 वर्ष बताई गई है, तो क्या यह 35 वर्ष के नए फॉर्मूले के आने के बाद उस भर्ती पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा? तो सभी लोगों ने इसमें नए नए जो हैं अपने बयान दिए हैं। तो सबसे पहले यदि ऐसा होता है तो इसका इफ़ेक्ट उस शिक्षक भर्ती पे क्या पड़ेगा? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लाखों आवेदक होंगे बाहर। मध्य प्रदेश सरकार के नए नियमों में अगर शिक्षक भर्ती परीक्षा भी आती है तो प्रदेश के लाखों आवेदक भर्ती प्रक्रिया से बाहर हो जाएंगे। परीक्षा के बाद भर्ती के लिए दोबारा से फॉर्म भरे जाना है, ऐसे में 35 साल से अधिक आयु के आवेदक परेशानी में आ गए हैं। यह पवन रजक हैं जो कि एक शिकायतकर्ता हैं जिन्होंने इस पर शिकायत की है। अब वहीं PEV का क्या कहना है, तो यहाँ राइट साइड में आप PEV के जो परीक्षा नियंत्रक अधिकारी हैं SK भदौरिया, उनका क्या कहना है, तो यहाँ आप देख सकते हैं कि भर्ती नियम के हिसाब से होगी परीक्षा, यानी प्राथमिक शिक्षक भर्ती परीक्षा भी होना है और हमारे पास स्कूल शिक्षा विभाग से इसके संबंध में भर्ती नियम नहीं आए हैं। भर्ती नियमों में जो भी आयु तय की जाएगी उसी आधार पर भर्ती कराई जाएगी। उच्चतर माध्यमिक और माध्यमिक शिक्षक भर्ती का परीक्षा पुराने नियमों से हो चुकी है, अब शासन का जो भी फैसला होगा उस पर अमल किया जाएगा। यहाँ पर जो परीक्षा नियंत्रक PEV के हैं AKS भदौरिया, उन्होंने स्पष्ट कर दिया गया है कि जो प्राथमिक शिक्षक भर्ती आएगी उसमें जो शिक्षा विभाग उनको आयु के संबंध में निर्देश देगी उसी के आधार पर परीक्षा कराई जाएगी, लेकिन जो वर्ग एक वर्ग दो की परीक्षा आयोजित की जा गई चुकी है तो उसके संबंध में भी उन्होंने स्पष्ट कहा है कि चूँकि परीक्षा आयोजित हो चुकी है और इनका मानना है कि ये पुराने भर्ती नियम के आधार पर
पर ही होगी, लेकिन फिर भी यदि शिक्षा विभाग इसमें कोई संशोधन करके प्रस्ताव भेजती है तो इस पर भी इनको जो है अमल करना होगा, ऐसा इनका कहना है। उसके बाद यहाँ पे आप लेफ़्ट साइड में कॉर्नर में देख रहे हैं जो कि डॉक्टर प्रभुराम चौधरी हैं, स्कूल शिक्षा मंत्री मध्य प्रदेश शासन के। उन्होंने इस पर क्या कहा है, तो उन्होंने कहा है नियमों के संबंध में शीघ्र निर्णय लेंगे, यानी शिक्षकों की भर्ती के संबंध में अफसरों से जानकारी लेकर आवश्यक कार्यवाही की जाएगी। यदि शिक्षक भर्ती परीक्षा पहले कराई जा चुकी है तो उस पर नए नियम लागू होंगे या नहीं होंगे, यह निर्णय जल्द ही किया जाएगा। तो ऐसा कहना है हमारे स्कूल शिक्षा मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी का। उन्होंने भी स्पष्ट कहा है कि जो पुरानी भर्तियां निकल चुकी हैं या जो पेंडिंग में हैं लेकिन भर्ती नियम निकल चुके हैं, क्या यह नया आदेश नियम जो है उन पर भी लागू होगा। यह जो है भर्ती के संबंध में जो अफसर होते हैं उनसे जानकारी कलेक्ट करके इस पर जल्द से जल्द निर्णय लिया जा सकता है, ऐसा उनका कहना है। वहीं अभ्यर्थियों की बात करें तो अभ्यर्थी कह रहे हैं कि जिस आधार पर जो नियमावली तैयार की गई थी भर्ती उसी नियमानुसार होना चाहिए, और पिछले बीते 7 साल बाद हुई है यह परीक्षा, तो इसमें वो नहीं चाहेंगे कि उन्हें इस दुविधा में फंसना पड़े। वहीं इस नियम को लेकर जो पीसी बीड़ा हैं अपर मुख्य सचिव सामान्य प्रशासन विभाग के, उन्होंने कहा है कि जो नए नियम से होगी नई भर्तियां, यानी आगे की जो नई भर्तियां जितनी भी होंगी अब वो नए नियम से ही होंगी। प्रदेश के किसी भी विभाग में नई भर्ती नए नियमों से ही की जाएगी, लेकिन जिन भर्तियों की परीक्षा हो चुकी है संभवतः उनमें ये नियम लागू नहीं होगा। तो इनने जो भी प्रतिक्रिया दी है वो सही मालूम होती है, क्योंकि जो भर्ती नियम हैं जो आपसे आवेदन लिए जाते हैं उसमें पहले ही भर्ती नियम स्पष्ट कर दिए जाते हैं, और जो एग्ज़ाम आपका कंटेंट होता है एग्ज़ाम होने के बाद उस भर्ती नियम में कोई भी बदलाव नहीं होता है, पिछली भर्ती नियम के आधार पर ही वह भर्ती कंप्लीट की जाती है। तो ऐसा मेरा भी मानना है कि जो भी वर्ग 1-2 उच्चतर माध्यमिक और माध्यमिक शिक्षक भर्ती परीक्षा आयोजित की जा चुकी है उस पर इन सभी नए नियमों का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। और अभी एक और आई है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2019, तो ऐसा अटकल लगाया जा था कि उसका भी इस पे प्रभाव होगा। तो मेरा उस पर भी कहना यही है कि ना तो नई शिक्षा नीति 2019 का इस भर्ती पर प्रभाव पड़ेगा और ना ही इस जो आयु के संबंध में नया निर्देश जारी हुआ है इस निर्देश का या इस नियम का भी इस भर्ती पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, मेरा ऐसा मानना है, क्योंकि इसका विज्ञापन स्पष्ट पहले ही हो चुका है जो कि 2018 भर्ती नियम के अंतर्गत ही होगा। और साथियों इस पर यदि कोई और विशेष जानकारी आती है तो वीडियो के माध्यम से हम आपको ज़रूर बताएंगे। आप हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन को ज़रूर दबा दें ताकि आगे आने वाली सभी वीडियो आप तक सीधे ही पहुंच सके। तो आप निश्चिंत रहिए, इस खबर की पूरी प्रतिक्रिया जो भी आगे होगी हम उसको फिर से आपके सामने रखेंगे, लेकिन आज के विश्लेषण में मुझे यही लगता है कि इसमें भले ही कहा हो कि यह प्रक्रिया निरस्त हो सकती है लेकिन ऐसा नहीं है, जिसके एग्ज़ाम हो चुके हैं अब वह भर्ती कैंसिल नहीं होगी और उसी नियम के आधार पर भर्ती होगी जो भर्ती नियम 2018 में निकाले गए थे। तो आप निश्चिंत रहें और अपनी आशा जो है बनाए रखें। धन्यवाद।